इस टाइप का टेक्स्ट एनिमेशन बनाने वाले हैं। ये देखिए, जब भी पेज लोड होगा कुछ इस टाइप पे पेज दिखाएगा। लेट्स चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर पे। अगर आपको ये एनिमेशन अच्छा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लेट्स चलते हैं अपने वीएस कोड एडिटर पे। वीएस कोड एडिटर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शिफ्ट दबा के यहाँ पे बेसिक जो कोड है वो आ गया, और जो हम लोग ने सी से इसका फाइल क्रिएट किया है यहाँ पर आएंगे, इसको लिंक करेंगे, लिंक आरियल स्टाइल सीट, इसके बाद एच रेफरेंस स्टाइल डॉट सी एस एस। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ बॉडी टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पी टैग क्रिएट करेंगे, पी टैग। इसके बाद हम लोग डमी टैग्स लेंगे, मतलब कुछ भी टैग्स ले सकते हैं आप, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो वी एस कोड का बाय डिफ़ॉल्ट है वो हम लोग ले लेते हैं। लेट्स इसको सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको ओपन करके बता देते हैं आपको कैसा दिखेगा। ये देखिए कुछ इस टाइप पे यहाँ पे आएगा। लेट्स अब इसको हम लोग सी एस एस की मदद से डिज़ाइन करेंगे, जो हम लोग ने सी एस एस का फाइल यहाँ पे क्रिएट किया है। लेट्स सबसे पहले क्या करेंगे, इसका बॉडी का कलर चेंज करेंगे। लेट्स बॉडी का कलर हम रखेंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इसका कलर रखेंगे आरजीबी आर, इसको यहाँ पे करते हैं ओके। हम लोग ने यहाँ पे स्पीकिंग मिस्टेक किया है। कलर आरजीबी रखेंगे 37, या हम लोग 35 रखते हैं, कॉमा 35 58। लेट्स इसको सेव करते हैं। यहाँ पे आएंगे, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए हमारा इस टाइप पे आएगा। इसके बाद हम लोग फॉन्ट का कलर रखेंगे, कलर फॉन्ट का वाइट रखेंगे, सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब इसको हम लोग एनिमेशन देंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग ने पी टैग रखा है, यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले पी टैग को हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे। एनिमेशन, एनिमेशन का सबसे पहले ड्यूरेशन देंगे हम लोग। ड्यूरेशन इसका ड्यूरेशन रहेगा 3 सेकेंड। एनिमेशन, एनिमेशन का हम लोग नेम देंगे, नेम इसको, इसका नेम देंगे स्लाइड इन। लेट्स इसके बाद इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज इसका रहेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा इसका 20 पिक्सल। लेट्स इसको सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बता देते हैं, ये देखिए इसका फॉन्ट आ गया। अब इसको हम लोग एनिमेशन देंगे, स्लाइड इन दिए। यहाँ पे आएंगे, की फ्रेम का हम लोग यूज़ करेंगे, की फ्रेम। इसके बाद हम लोग एनिमेशन का नाम लिखेंगे स्लाइड इन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम इसका हम लोग देंगे, इसका सबसे पहले मार्जिन देंगे जब लोड होगा तो, इसका मार्जिन लेफ्ट साइड से इसका मार्जिन होना चाहिए 100 पिक्सल, परसेंटेज में दे देते हैं। इसके बाद इसका विड्थ होना चाहिए 300। लेट्स इसको सेव करते हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप पे आएगा। इसके बाद इसका 2 पे ख़त्म होना चाहिए, यहाँ पे इसका मार्जिन, मार्जिन इसका मार्जिन लास्ट में एकदम लेफ्ट में 0 हो जाना चाहिए, 0%। इसके बाद इसका विड्थ भी, इसका विड्थ होना चाहिए 100%। लेट्स इसको सेव करेंगे। यहाँ पे आएंगे, ये देखिए कुछ इस टाइप पे आ गया। अब इसको हम लोग, ये फॉन्ट को हम लोग को बड़े में दिखाना है, तो बीच में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 75% लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग डालेंगे फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज हो जाएंगे 300%। इसके बाद इसका मार्जिन, इसका मार्जिन होना चाहिए लेफ्ट साइड से, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे लेफ्ट, लेफ्ट साइड से इसकी मार्जिन होना चाहिए 25%। लेट्स इसके बाद इसका विड्थ, इसका विड्थ होना चाहिए 150%। लेट्स सेव करते हैं। यहाँ पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए एनिमेशन कुछ इस टाइप पे हमें आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो देखने के लिए क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन। फॉर वॉच मोर वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन द वीडियो।